यार भाई सो ब्यूटीफुल। एक ये माँ बाप देख लो जो अपने बच्चों को लेकर आते हैं यहाँ पे ठंड में इतनी, और एक हमारे होते हैं बारिश में भी नहा लोगे तो पीठ पे चार थप्पड़ मारेंगे। यार मैं बोल भी नहीं पा रहा यार, का मैसेज आया, मतलब मैंने उसकी स्टोरी पे रिप्लाई। ऐसा लग रहा है बाप का पजामा पहनना। यार इस टाइम ना सुबह के 5 बज रहे हैं और मैंने ब्लॉग किसी खास रीज़न की वजह से शुरू किया है क्योंकि इस टाइम बाहर पड़ रही है फ्रेश स्नो। मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था ना यार मैं स्नो दिखा नहीं पाया था, तो अभी आपको दिखाता हूँ। वैसे इस टाइम तो अंधेरा ही है बाहर, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको दिख जाए। तो ये देख लो यार फ्रेश स्नो पड़ रही है अभी और नीचे भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है, पूरी रात भर स्नो हुई है। यार कई बार ना फ्लेक अपनी पूरी प्रॉपर शेप में गिरता है तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि गिरे और मैं कैप्चर कर पाऊँ। अभी छोटू सा गिरा था वो भी गुम हो गया। वैसे जब स्नो पड़नी होती है ना तो आसमान ऐसा सफ़ेद सा ही हो जाता है। यार कितना अच्छा लग रहा है भाई, मेरे पैर कितने काले लग रहे हैं। इतने काले हैं नहीं है वैसे, स्नो ज़्यादा सफ़ेद है। वैसे अब जो मैं कर रहा हूँ ना इसको बेवकूफ़ी कहते हैं, इतनी ज़्यादा बर्फ में चप्पल पहन के बाहर आ गया हूँ। अभी मम्मी होती ना दो टोई पर पड़नी थी, पर यहाँ पर सिर्फ टोई टोई हैं, मम्मी नहीं है। मैं जा कहाँ रहा हूँ वैसे, इधर से ही देख लो यार, ये देख लो, ये है कनाडा की लाइफ। गाड़ी लोगे, ये बर्फ़ पड़ती है तो ऐसे साफ़ करनी पड़ेगी। सड़कें देख लो, ये आपको घर के बाहर खुद साफ़ करनी पड़ती हैं। अगर इधर कोई स्लिप भी कर गया ना आपको स्यू कर सकता है वो बंदा, क्योंकि आपके घर के आगे स्लिप करेगा तो आपकी ड्यूटी बनती है ये साफ़ करना सब। पर अपन का तो घर नहीं है यार, चिल करते हैं हम तो, हमें नहीं करना, हमारी लैंडलॉर्ड खुद करेगी। बाकी की मैं आपको सुबह दिखाता हूँ, मेरी ठंड से फट रही है और जाना चाहिए मुझे अंदर, बीमार नहीं होना यार। ये अभी मैंने गेट खोला था ना, गेट के नीचे देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। गुड मॉर्निंग यार, मेरी जॉब अभी थोड़ी देर पहले ही खुली थी क्योंकि मैंने ना अपने ग्रुप चैट में मैसेज पढ़ा कि यार जॉब से छुट्टी है, और यार इतना मज़ा आ रहा है ना क्योंकि 2 दिन की छुट्टी मिल गई। आज बहुत ज़्यादा स्नो हो चुकी है, देख लो कितना ज़्यादा बुरा हाल है। तो बसेस वगैरह कुछ भी नहीं चलेंगी, आपको बाहर जाके थोड़ा दिखा देता हूँ मैं। ये देखना दीवार के ऊपर पूरी स्नो है, ये देखो। हेलो, थोड़ा इधर, हाँ जी स्माइल प्लीज। तो अभी हम आपको बना के दिखाएंगे बर्फ का गोला, बन गया ठीक है, नहीं बना फिर तो ठीक ही है। नहीं 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 नहीं, और बर्फ पड़ जाए थोड़ी और। हाँ जी, कैसा खाना पसंद करेंगे, काला खट्टा या फिर मेरे पसीने वाले पानी का जो स्वाद है भाया। हेलो भाया, 3 2 1 वाओ। पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियों का स्वाद आ रहा है इसमें। ये देखो ऐसे साफ करना पड़ता है सारा, बहुत मुश्किल है जो कि। और साइकिल का तो अलग ही हाल है भाई, पता नहीं ये अलग ही सेंटा की राइड बनी हुई है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ तैयार होने के लिए क्योंकि मुझे शूट करनी है रील्स। इतनी अच्छी स्नो पड़ रही है और मैं रील्स ना शूट करूँ ऐसा हो नहीं सकता, बीमार हो जाएंगे, पर रील जरूर शूट करनी है। वो आप चेक कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे जो कि है सैमी व्लॉग, वहाँ पे जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब यूट्यूब पे कर देना। मैं तैयार हो चुका हूँ, क्यूट लग रहा हूँ एज यूजुअल, तो चलो अब चलते हैं बाहर। तो रिंग लाइट ले लिया और जा रहा हूँ अभी पार्क में। यार व्हाई इज दिस सो ब्यूटीफुल जस्ट लाइक मी, क्यों यार इतना सुंदर क्यों होता है यार ये। यार मैं बोल रहा था ना कि ट्रांजिट की बहुत दिक्कत आती है, ये बस बेचारी पता नहीं कितनी देर से खड़ी है, आगे ही नहीं जा पा रही है। पर मुझे देख लो मैं जा रहा हूँ, डंगर कहते हैं मुझे। यार मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है पर कच्ची में स्नो चलेगी। भाई मैंने ना अभी चोड़ चोड़ में रील बनाने के लिए जंप मारी
और मुझे पता नहीं था वहां पे सड़क थी, मेरा पिछवाड़ा जाके सड़क में बजा। मेरे जूते भी दिखने बंद हो चुके हैं, इतनी ज्यादा डीप स्नो है यहाँ पे। अगर कोई मुझसे सच्चा प्यार करता है और मेरे कदमों के निशान पर चलना चाहता है तो यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ। यार फिलहाल मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि मेरी हालत थोड़ी टाइट हो रही है, इतनी ज्यादा सर्दी है ना, मेरे हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे, फिर भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेहनती लड़का हूँ। मैं घर जाके वापस भी आ गया और ये बस अभी की अभी भी वहीं खड़ी है। अभी मैं अपने थोड़े नॉर्मल से कपड़ों में आ चुका हूँ, पहले अब नॉर्मल में आया था। ये मुझसे लंबा स्नोमैन जो आप देख रहे हो ये मैंने नहीं बनाया, कोई बना के छोड़ गया। इसका नाम है बिल्लू, बिल्लू डॉल। यहाँ पर एक छोटा सा इग्लू भी बना कर गया कोई, अगर थोड़ा सा बड़ा होता ना यार मैं इसी में रह लेता, क्योंकि रेंट तो पे नहीं हो पाता यहाँ पे। ये देख लो यार कितनी सही अकोमोडेशन है, 2 बेडरूम बेसमेंट है ये, एक वो अच्छा ये 2 डोर है, 1 बेडरूम ही है। यार ये M बन गया, M4 मंजोत। मैं रील बनाते बनाते गिर गया और हाथ का कतल हो गया। ये दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं रात से, देख लो अब प्रॉपर शेप में आ रहे हैं ये। यार इतनी ज्यादा बर्फ में तो महादेव का भजन याद आ रहा है, शंभू शिव शंकर उमापति महादेव, शंभू शिव शंकर उमापति महादेव, तारणहार परमेश्वर। आगे नहीं आता, हर हर महादेव बम बम बोले। एक ये माँ बाप देख लो जो अपने बच्चों को लेकर आते हैं यहाँ पे ठंड में इतनी, और एक हमारे होते हैं बारिश में भी नहा लोगे तो पीठ पे 4 थप्पड़ मारेंगे। यार मेरा भी ये ट्राई करने का मन कर रहा है पर बहुत शर्म आ रही है, ऐसे किससे पूछूं मैं। सो आई जस्ट होल्ड दिस वन, ठीक है अगर हो सका दिस वन, यस ओके। भाई बहुत ज्यादा मजा आया करके ये जो भी था, अब वापस घर पे जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होनी शुरू हो गई है फिर से, और वैसे भी मैं कल रात को बहुत कम सोया हूँ तो अब जाके नींद भी पूरी करनी है। बाकी अगर कल गया कहीं पे तो ये वाला व्लॉग कंटिन्यू कर लूंगा। पीछे पेड़ देखो यार कितने सुंदर लग रहे हैं, और मैं तो हुई सुंदर, ये बेचारी बस यहीं की यहाँ खड़ी है सुबह की। हेलो यार मैं बोल भी नहीं पा रहा यार, मुझे अभी अपर्णा देवया का मैसेज आया, मतलब मैंने उसकी स्टोरी पर रिप्लाई करा था और उसका मैसेज आया, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ ना यार मैं बता नहीं सकता। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। मुझे ना हमेशा होता था कि एक बार उनसे बात हो जाए, और मैं बता नहीं सकता, मैं अभी मतलब रो के भी हटाऊं पता नहीं यार, इतना अच्छा लग रहा है ना यार, मतलब वो जो इमोशंस होते हैं ना एकदम से बाहर आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमेशा यार मुझे मतलब मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, बस इन शॉर्ट बहुत ज्यादा खुशी है, मैं वो फीलिंग नहीं अभी बता सकता। तो आज सब कुछ बैक टू नॉर्मल है और बस भी आ चुकी है, वैसे अभी मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ पहुँच के। यार इस टाइम पे ना मुझे नहीं पता कि मैं क्यों ऐसे रिएक्ट करूं, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, मुझे अभी नोटिफिकेशन आई है अपर्णा देवयाल मेंशनड यू इन अ स्टोरी। यार सच्ची में बहुत बड़ी बात है, आप एक बंदे को मतलब टीवी पे देखते हो यूट्यूब वगैरह पे और फिर उनके साथ जब बात होनी शुरू होती है ना वो फीलिंग ही बहुत अलग है यार। हैप्पी। अभी मैं आया हूँ नॉर्थ वैनकूवर क्योंकि यार मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी जब लास्ट वीक स्नो हुई थी, यहाँ पर वाटरफॉल्स हैं तो वो बहुत प्यारे लग रहे थे, तो अभी मैं वही देखने आया हूँ, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं साथ में। ब्लैक बियर साइटिंग बट ये June 23 की है, अभी ये हाइबरनेशन पे होंगे तो उम्मीद करते हैं कोई भालू नहीं टकरेगा। Yeah.
यार मेरे सामने जो ब्रिज है ना वो ऐसा सा है, ऐसा सा, और अगर मैं वहाँ से स्लिप कर गया तो मेरी लात भी टूट सकती है और दांत वगैरह भी टूट सकते हैं, तो मैं ऐसे करके बाहर आऊँगा। पर जाना तो है ही है क्योंकि व्यू वहाँ पर ही है यार असली। इस टाइम जो मेरे सामने का व्यू है ना यार, इट्स सो सरियल, सरियल या सरियल जो भी होता है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, तो व्यू भी देख लो यार आप। मुझे मुझसे ज़्यादा मेरे फ़ोन गिरने का डर है, पर मैं अभी यहाँ पर थोड़ी देर रुकूंगा क्योंकि स्नोफॉल शुरू होनी है अभी, तो मैं वो कैप्चर करना चाहता हूँ यार। यार मैं गाना गाने जा रहा हूँ, अगर आपको अपने कान के पर्दे नहीं फाड़ने तो आवाज़ थोड़ी धीरे कर लेना। तेरे दिल के शहर, यार गले में कुछ फंसा हुआ है पक्का। तेरे 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 दिल के शहर में तो तभी घुसोगे अगर गले से जा पाओगे, गला ही नहीं, सुर ही नहीं लग पा रहा यार। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया, सपना जो देखा तुमने वो मेरा हो गया, हो गया, डूबे तो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार हुआ मेरे यार। चलो यार अब स्नोफॉल भी शुरू हो चुकी है। ये जो बर्फ का हलवा सा बना हुआ है ना, इस पर चलना इतना ज़्यादा मुश्किल है, और अगले कुछ दिन बारिश ही होनी है, उससे और ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी यहाँ पे। मैं खुद के लिए शॉपिंग करने आया था, इतने सारे कपड़े ले तो लिए, पता नहीं अब लूँगा भी या नहीं। यार कपड़े तो दिखे नहीं थे वीडियो में। पहली आउटफिट पसंद तो आ गई, पर इसमें दिक्कत ये है कि ये पैंट इतनी ज़्यादा खुली है, ऐसे लग रहा है बाप का पजामा पहना। ये जैकेट भी काफी मस्त है। अगर मैं इसको और पिछली वाली को कंपेयर करूं तो ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि इसके कॉलर वगैरह और ये राउंड नेक में है, तो मुझे कॉलर वाली ज़्यादा पसंद है। यार ये थोड़ा टट्टी सा पीस मैंने ऐसे ही उठा लिया, पर ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी मेरे जो कपड़े डिसाइड हुए हैं वो है ये, पर इसमें मुझे साइज पता करना, ये वो जो पहले वाली जैकेट थी उससे ज़्यादा बेटर मुझे ये वाली लग रही है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टाइलिश है, तो मैं उसकी जगह पे ये वाली ले रहा हूँ। थैंक यू। यस मैम। चलो यार आज की शॉपिंग तो डन है, और जिस दिन मेरा यूट्यूब मोनिटाइज हो गया ना तो ये सब कुछ लेकर जाऊँगा स्टोर से। इतनी ज़्यादा स्नो में चप्पल पहन के बाहर आ गया हूँ, ये क्या यार फ़ोन को क्या हो गया, मेरा टट्टी हो गया फ़ोन। नहीं जाने फेलियर बिल्कुल मेरे जैसे। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ रील्स बनाने, रील्स बनाने नहीं पहले तैयार होना। तो गाइज अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, यार पहले तैयार होना फिर रील बनानी है, अक्कल ही नहीं है डंगर पीन। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि मुझे शूट करनी है थोड़ी बहुत रील्स, अपना हुस्न है जो वो दिखाना है लोगों को, या तो पहले सोच ले कि क्या बोलना है, बदतमीज। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ रील शूट यार, पर मेरी कच्ची में स्नो चलेगी, कच्ची। Let it snow, let it snow, let it snow.
तेरे दिल शुरुआत ही बहुत घटिया हुई है। तेरे दिल के यार क्या है ये गला है कि संग है कुत्ते का। वो मेरा हो गया डूब गए। किसी ने इतनी गंदी स्मेल मारी।